शिखर सेकावटी के इतिहास में पहली बार सिद्धपीठ बालाजी मंदिर में 2400 किलो का रोट का महाभोग लगाया गया। देवीपुरा सिद्धपीठ बालाजी मंदिर में 24 घंटे अखंड धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं महाभोग के बाद मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का आना जाना जारी है। यह महाभोग करीब 24,000 भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। बालाजी के भोग के समय देश प्रदेश की खुशहाली की मनोकामना की गई। सिद्धपीठ देवीपुरा बालाजी धाम सीकर राजस्थान में पिछले 3 दिनों से 2700 किलो रोटे का भोग की जोरों शोरों से तैयारी की जा रही थी और आज बालाजी महाराज के 2700 किलो रोटा बनाकर प्रसाद दर्शकों में बांटा गया। इस रोटे की प्रेरणा मेरे मित्र निर्मल माटोलिया जो बालाजी के भक्त हैं, उन्होंने पहले रामदास जी महाराज फलोदी वालों के ऐसा रोटा बनता देखा था, उन्होंने मेरे को बताया और उनकी बात सुन के मेरे मन में ये प्रेरणा उत्पन्न हुई कि अपन भी यहाँ बालाजी के ऐसे रोटे का प्रसाद बनाएं। इसके लिए रामदास जी महाराज फलोदी वालों से जब बातचीत की तो उन्होंने इसकी सहमति दे दी। यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, सब बच्चे बूढ़े औरत नौजवान बाहर से लोग रहने वाले सब आ रहे हैं, सब अपने अपने मनोकामनाएं लेके आ रहे हैं और सब रोटी को देखने के लिए इतने उत्साहित हैं कि सुबह से लेके भीड़ लगी हुई है। जैसे रात को ही रोटा बनाया गया था उससे लेकर अब सुबह तक कैसे इसको निकाला गया है, कैसे इसको बनाया गया है, किसके प्रसाद की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी की जा रही है, बाहर से इसको बेलने वाला भी लाया गया है और कैसे इसका भोग है जो बनाया जा रहा है, क्रेन लेके आए हैं, कितने लोगों देखो श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।